एक्सरसाइज 7.2 करने वाले हैं, ठीक है, जो कि इंटीग्रेशन का सेकंड पार्ट होगा, सेकंड वीडियो है। तो 7.2 बनाने से पहले आपको मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि जितना भी स्टैंडर्ड फंक्शन वो फार्मूला थे सारे आपको याद कर लेना है, ठीक है। जो ये सब था, ये सब अगर आप याद कर लीजिएगा अच्छी तरीके से तो आपसे इंटीग्रेशन जो बनाने में बहुत आसानी होगी, ठीक है ना। तो देखिए, ये एक्सरसाइज 7.2 है और ये एक्सरसाइज जो 7.1 था ये थोड़ा बेसिक वाला क्वेश्चन था इसमें, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने वाला जैसा कुछ नहीं था। मगर ये एक्सरसाइज जो 7.2 है इसको आपको सब्स्टिट्यूट करके बनाना है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से थोड़ा सोच समझ के बनाना है। कैसे बनाना होगा, तो देखिए नीचे अगर मान लीजिए ये 2x/1+x² दिया हुआ है, इसको हम कैसे बनाएंगे, तो 1+x² जो है अगर मान लिया जाए, इसको हमको सोचना होता है कि कैसे किसको डिफ्रेंशिएट किया जाए जो ऊपर वाले से मिल जाए या नीचे वाले से मिल जाए। तो अगर मान लिया जाए 1+x² को हम 2 मान लेंगे, तो चलिए मैं इसे बना के दिखाता हूँ एक्सरसाइज 7.2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको मेरे चैनल के लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको ये जो एक्सरसाइज 7.2 है हमारा, ये सब्स्टिट्यूशन से ही बनेगा, ठीक है। और भी दूसरा फॉर्म टाइप से भी बन सकता है मगर ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी बनता है, तो मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही आपको बना के दिखाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है इंटीग्रेशन ऑफ 2x/1+x² का हमको dx निकालना है। तो जैसा कि आप जानते हैं डिफरेंशिएशन में क्या होता था, जब भी ऐसे इस तरह लिखा रहता था फ्रैक्शन में तो उसमें क्या होता था कि आप u/v फॉर्म में यूज करते थे, जब डिवीजन फॉर्म में रहता था u/v वाला फार्मूला यूज करते थे। मगर इसमें तो वो वाला फार्मूला भी नहीं यूज होगा, तो बनेगा कैसे, तो आपको इसमें देखना पड़ेगा कि हम किसको सब्स्टिट्यूट करें या किसको सब्स्टिट्यूट किया जाए जो ऊपर वाले या नीचे वाले से मिल जाए। तो मान लिया जाए हम इस 1+x² को हम जड़ मान लेते हैं, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट अगर करेंगे और डिफ्रेंशिएट करने पे या तो ऊपर वाला अगर मिल जाएगा, मीन्स कैसे मिल जाएगा देख लीजिए, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 और x² का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2x होगा, ठीक है ना। तो इसको फिर से जेड को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dz/dx आ जाएगा ना। तो देखिए यहाँ से ये 2x, ये dx इसके साथ इंटू हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2x dx = dz। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो हमारा दिया हुआ था 2x dx, ये वाला 2x dx हमारा यहाँ दिखा रहा है कि dz के बराबर है कि नहीं। और 1+x² को हम क्या माने थे, जेड। तो जैसा कि हम यहाँ से पुट किए हैं तो इसको अब हम यहाँ लिख देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx क्या है, dz के बराबर है, तो ऊपर dz हो गया और 1+x² को क्या माने थे, जेड। तो देखिए हमारा इंटीग्रेशन आ गया फार्मूला पे। अब अगर आप इसको फार्मूला पे यूज करेंगे तो 1/z जो है, 1/x जो होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x की dx क्या होता है, log x होता है, आपको याद होगा, तो प्लस ही। तो इसका जो होगा ये होगा log z प्लस सी। और अब क्या करेंगे, ये z जो हम माने थे शुरुआत में इक्वेशन 1 को, z का वैल्यू कितना था, 1+x², तो यहाँ 1+x² पुट कर देंगे, तो यहाँ log 1+x² प्लस सी आ जाएगा। तो z का जो वैल्यू था हम पुट कर दिए तो हमारा आंसर आ गया। इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें हमको करना क्या होता है कि किसी भी ऊपर वाले या नीचे वाले को ले लेना है, उसको t या मान लेना है कुछ भी आपको जो मन, फिर उसको डिफ्रेंशिएट करना है। अगर वो डिफ्रेंशिएट हो जाए और अगर किसी से मिल जाए तो उसको लिख देना है dz के जैसे बराबर, यहाँ 2x dx के बराबर था dz, तो हम लिख दिए, ठीक है। इसी तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड बनता है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो है log x होल स्क्वायर बाय एक्स। इसका हमको
इंटीग्रेशन निकालना है, तो आपको सोचना पड़ेगा कि अगर हम यहाँ log x को z मानते हैं तो log x का जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो क्या आएगा, 1/x, जो कि यहाँ 1/x तो दिया हुआ है, तो 1/dx आ जाएगा, तो हम dz मान सकते हैं। अगर उसी तरह अगर 1/x को हम यहाँ पे कुछ मान लेते हैं, अगर 1/x को अगर हम मानेंगे कुछ, तो x इनवर्स तो कुछ किसी पे भी नहीं मिलेगा जो यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, नहीं ना मिलेगा। इसीलिए हम यहाँ पे क्या लेंगे, log x को मानेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो log x को अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, z मान लेते हैं पहले, log x को z मान लिए, ठीक है, तो log x को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/x आ जाएगा ना, और z को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dz/dx जो इसके साथ इंटू हो जाएगा, तो dx/x किसके बराबर आ जाएगा, dz के बराबर में आ जाएगा ना, यहाँ से समझ में आ रहा है ना। तो आप यहाँ देख सकते हैं dx/x जो है dz के बराबर आ गया, और log x तो हम यहाँ पर माने ही थे z, उसीलिए log x को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन डाल देंगे, log x को क्या माने थे, z पे होल स्क्वायर हो जाएगा, और dx/x क्या है, dz है, dz लिख दिए। अब इसको हम आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं xn+1/n+1 के फॉर्म पे, तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो जेड स्क्वायर का क्या आएगा, जेड पे पावर 3+1 मीन्स n+1/n, तो 3+3 आ गया ना। अब जेड का वैल्यू हम पुट कर देंगे जो रखे थे इक्वेशन 1 से, तो जेड का वैल्यू जब हम पुट करेंगे क्या है, log x है, तो यहाँ जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा log x टू द होल क्यूब बाय 3+c। तो आंसर हमारा आ गया ना, आसान था, समझ में आ गया होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है 1/x + x log x। तो इसको आपको ध्यान से बनाने से पहले एक बार सोचना पड़ेगा कि इसको बनाएंगे कैसे। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा कि अगर हम x log x लेंगे तो यहाँ पर थोड़ा उल्टा पुल्टा हो जाएगा। मान लीजिए x log x लेते हैं तो उसका कैसे आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, पहला u(v) के फॉर्म पे ये डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, तो u(v) के फॉर्म पे जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कुछ भी आ जाएगा, मतलब इसमें हमें कुछ नहीं मिलेगा, सब्स्टिट्यूट हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, समझे। तो इसलिए हमको क्या करना है, इसमें जो x + x log x है, आप देख रहे हैं दोनों में कॉमन x है, तो x कॉमन लेके निकाल लेंगे, तो यहाँ पे आएगा 1/x कॉमन ले लिए, तो यहाँ से जब कॉमन लेंगे x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1+log x dx। अब अगर आप चाहिएगा 1+log x आ गया, 1+log x अगर हम ले लेंगे तो 1/x आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चला कि 1+log x को अगर हम लेट करते हैं, सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 1+log x को मान लेंगे पहले कुछ, जेड मान लिए, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 0, log x को डिफ्रेंशिएट करेंगे 1/x, और जेड को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dz/dx आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा यहाँ से 1/x क्या आया, 1/x dx इंटू होगा, dz के बराबर हो गया, है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं dx/x जो है dx/x ही ना हुआ, dz के बराबर हो गया, और 1+log x तो हम यहाँ z मान ही चुके थे ना, तो अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं इस पर। इंटीग्रेशन ऑफ dx/x क्या है, dz है, dz, और 1+log x को z माने थे, तो z हो गया, है कि नहीं। तो अब देखिए, अब हम यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होता है, log x होता है, तो यहाँ z है, तो log z + c, z का वैल्यू पुट कर देंगे जो हम रखे थे, तो 1+log x z है, तो log 1+log x + c हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी बन गया। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट में ज़रूर बोलिएगा, ताकि मैं और अच्छा से तरीके से समझा सकूं, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4, और अगर समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बना जाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है साइन एक्स
इंटू साइन कॉस एक्स, ठीक है। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ ये, इसको हमको इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पर से आप देख सकते हैं कि कॉस एक्स को अगर हम यहाँ से जेड मानते हैं तो उसको जब हम निकालेंगे, कॉस एक्स को देखिए, यहाँ पे हम कॉस एक्स को अगर जेड मानते हैं एक बार, तो कॉस एक्स का क्या होगा, माइनस साइन एक्स इक्वल डी जेड बाई डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ से माइनस इस साइड आ जाएगा और डी एक्स इधर आ जाएगा, तो साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स माइनस डी जेड आएगा, है कि नहीं। तो साइन एक्स जो है यहाँ पर देख सकते हैं, ये साइन एक्स डी एक्स आएगा ना, तो साइन एक्स डी एक्स जो है माइनस डी जेड के बराबर है। तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं इसको, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या है, साइन एक्स और डी एक्स, डी जेड माइनस डी जेड के बराबर है और यहाँ साइन है, तो यहाँ पर एक साइन और कॉस एक्स के बराबर है, जेड के बराबर है, साइन जेड डी जेड हो जाएगा, क्योंकि साइन एक्स डी एक्स क्या है, डी माइनस डी जेड के बराबर, माइनस बाहर कर देते हैं। तो अब देखिए, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, है कि नहीं, कॉस जेड होगा ना, यहाँ तो जेड है, कॉस जेड प्लस सी, और यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कॉस और जेड का वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, तो जेड क्या था, कॉस एक्स, कॉस एक्स प्लस सी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी बन गया, कितना आसान है, आपको समझ में आ रहा है ना। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5, तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स, इसको हमको इंटीग्रेट करना है। तो देखिए यहाँ साइन एक्स भी दिया हुआ है, कॉस एक्स भी दिया है, तो हम किसी को भी मान लेते हैं, जैसे साइन एक्स अगर मानेंगे तो कॉस आएगा, तो साइन को ही मानते हैं। अगर हम साइन ए एक्स प्लस बी को जेड मानते हैं, तो इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन का क्या होगा, कॉस ए एक्स प्लस बी, और फिर ए एक्स चेन रूल से इंटीग्रेट होगा तो ए आ जाएगा, इंटू ए कॉस ए एक्स प्लस बी इक्वल डी जेड बाई डी एक्स हो गया, है ना। हमको यहाँ क्या है, कॉस ए एक्स प्लस बी दिया हुआ, तो ए को हम इधर इस साइड कर लेते हैं। तो देखिए ये कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स इधर आ जाएगा, और डी जेड जो है अगर मान लीजिए यहाँ पे ये आ जाएगा, तो डी जेड बाई ए आ जाएगा, है ना। तो अब हम क्वेश्चन पे पुट करेंगे इसको, तो इंटीग्रेशन आप देख सकते हैं साइन ए एक्स प्लस बी जेड के बराबर, तो यहाँ इंटीग्रेशन जेड मान लिए इसको उस पूरे को, और कॉस ए एक्स प्लस बी जो है डी एक्स जो है वो क्या है, डी जेड बाई ए के बराबर है, तो डी जेड बाई ए वन बाई ए कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ जेड डी जेड हम करेंगे, तो जब जेड का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आएगा वन बाई ए, ये तो कांस्टेंट है, जेड का इंटीग्रेशन करेंगे जेड स्क्वायर बाय टू प्लस सी। अब जेड का हम वैल्यू पुट कर देंगे, जेड का वैल्यू क्या था, साइन ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ आएगा साइन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर बाय टू ए प्लस सी, ठीक है। तो ये भी हमारा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 6, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कि ए एक्स प्लस बी पे जो है रूट दिया हुआ है, तो रूट का वैल्यू कितना आता है, 1/2, इसको हमको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो इसको हमको इंटीग्रेट करना है ना, तो आपको यहाँ देखना पड़ेगा कि ए एक्स प्लस बी को अगर हम ले लें, इंटीग्रेट कर लें, सब्सटीट्यूट करने पे क्या आएगा, तो ए एक्स प्लस बी को सब्सटीट्यूट करने पे ए आएगा, है कि नहीं। तो इसका सब्सटीट्यूट करते हैं ए एक्स प्लस बी का, तो ए एक्स प्लस बी का जब हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो जेड मानते हैं पहले, या कुछ भी आपको जो मन, फिर इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ए आएगा, बी का डिफ्रेंशिएट करेंगे जीरो आ जाएगा, डी जेड बाई डी एक्स
डी एक्स को इधर ले आते हैं, तो ए डी एक्स इक्वल डी जेड, और फिर ये जो ए है ये कांस्टेंट है, इसको भी नीचे ले आते हैं, तो डी एक्स इक्वल डी जेड बाई ए आ जाएगा। ठीक है, तो डी एक्स क्या है, डी जेड बाई ए के बराबर आ गया है। अब देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं, तो ए एक्स प्लस बी जो है वो जेड के बराबर माने थे ना, तो जेड पे पावर वन बाई टू होगा, और डी एक्स जो है हमारा क्या है, डी एक्स है डी जेड बाई ए के बराबर, तो डी जेड बाई ए मान लिए, वन बाई ए कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ जेड अंडर रूट जेड का जो हम इंटीग्रेशन निकालेंगे तो वो आएगा, इसका इंटीग्रेशन होगा जेड पे पावर थ्री बाई टू बाय थ्री बाई टू प्लस सी। तो हम इसको अच्छे से लिख लेते हैं, टू जेड का वैल्यू जो हम जो माने थे पुट कर देते हैं अब इसके जगह पे, तो ए एक्स प्लस बी हम जेड माने थे, टू ए एक्स प्लस बी पे पावर थ्री बाई टू, और यहाँ बाय थ्री ये है प्लस सी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स भी बन चुका है। अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन। तो हमारा क्वेश्चन नंबर सेवन अब दिया हुआ है कि एक्स अंडर रूट एक्स प्लस टू को हमको इंटीग्रेट करना है, तो इसमें क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमको करेंगे क्या, ये जो एक्स प्लस टू दिया हुआ है इसको हम सब्सटीट्यूट करेंगे ताकि एक्स डी एक्स निकल जाए। ठीक है, नहीं तो एक्स प्लस टू को हम जब सब्सटीट्यूट करेंगे तो डी एक्स ही डी जेड के बराबर आएगा। देखिए कैसे, तो एक्स प्लस टू को अगर हम मान लेते हैं कुछ टी मान लेते हैं, तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स का वन इसका जीरो डी टी बाई डी एक्स, और इसका जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये तो वन है, वन डी एक्स होगा, मीन्स डी एक्स होगा, डी एक्स बराबर डी टी आ गया इससे, ये ना पता चला। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स दिया हुआ था, अगर यहाँ पर एक्स जो दिया हुआ है यहाँ से एक्स प्लस टू जैसे यहाँ पर दिया हुआ है टी के बराबर, तो अगर यहाँ पर सिर्फ एक्स रहेगा तो ये जो टू है माइनस टू उधर चला जाएगा, तो टी माइनस टू हो जाएगा ना, तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू क्या आएगा, टी माइनस टू है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, ये एक्स के वैल्यू टी माइनस टू है ना, तो टी माइनस टू पुट कर देंगे, और ये जो एक्स प्लस टू है उसको हम क्या माने थे, एक्स प्लस टू को टू टी माने थे, तो इसको रूट टी हो जाएगा, और डी एक्स क्या है, डी जेड के बराबर, सॉरी डी टी के बराबर। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो इसके साथ जब इंटीग्रेशन होगा तो इसका आ जाएगा टी पे पावर थ्री बाई टू, बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा वन बाई टू प्लस वन, और डी टी माइनस इंटीग्रेशन टू है, टू कांस्टेंट है बाहर आ गया, और अंडर रूट टी हो जाएगा, मीन्स टी पे पावर वन बाई टू का हम इंटीग्रेशन कर देंगे एक बार, तो टी पे पावर थ्री बाई टू है, और थ्री बाई टू का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा फाइव बाई टू है कि नहीं। देखिए कैसे, फाइव बाई टू आ गया ना, तो देखिए इसका आ गया टी पे पावर फाइव बाई टू बाय फाइव बाई टू, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन आ गया माइनस टू कॉन्स्टेंट है, टी पे पावर वन बाई टू का जब हम इंटीग्रेशन निकालेंगे तो एन प्लस वन होगा, एन प्लस वन मीन्स टी पे पावर थ्री बाई टू बाय थ्री बाई टू प्लस सी। इसको जब हम अच्छे से कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा टू बाय फाइव, टी का वैल्यू पुट कर देते हैं एक्स प्लस टू बाय माने पे, तो एक्स प्लस टू पे पावर फाइव बाई टू माइनस टू टू जा फोर, फोर बाय थ्री, और टी का वैल्यू क्या माने थे, एक्स प्लस टू पे पावर थ्री बाय टू प्लस सी। तो हमारा आंसर आज निकल गया, क्वेश्चन नंबर सेवन भी बन गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर एट। तो हमारा क्वेश्चन नंबर एट दिया हुआ है एक्स अंडर रूट वन प्लस टू एक्स स्क्वायर का हमको इंटीग्रेशन निकालना है, तो इसका जब इंटीग्रेशन निकालने के लिए हमको इसको मानना पड़ेगा, सब्सटीट्यूट करेंगे, तो यहाँ पर वन प्लस
टू एक्स स्क्वायर इक्वल्स जेड मानेंगे, इसका जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो टू एक्स स्क्वायर का क्या होगा, फोर एक्स एक्स एन पे, तो फोर एक्स डी एक्स इक्वल डी जेड आ जाएगा। यहाँ मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ अब, तो फोर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी जेड है, तो यहाँ पर सिर्फ क्या दिया हुआ एक्स है, तो इस फोर को हम इस साइड ले आते हैं, तो एक्स डी एक्स जो है वो डी जेड बाई फोर के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स क्या है, एक्स डी एक्स जो है डी जेड बाई फोर के बराबर है, और इसका जो है इसको हम वन प्लस टू एक्स स्क्वायर को जेड माने थे, तो रूट जेड, और एक्स डी एक्स को डी जेड बाई फोर, तो वन बाई फोर जो है यहाँ पर कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया। और इंटीग्रेशन जब निकालेंगे जेड पे पावर वन बाई टू का, तो देखिए इसका इंटीग्रेशन जब हम निकालेंगे तो आएगा जेड पे पावर थ्री बाई टू बाय थ्री बाई टू, यहाँ से टू 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 जो फोर वन बाई टू आ जाएगा प्लस सी, है ना। तो देखिए यहाँ पर से हम इसको लिख सकते हैं ना, वन बाई टू टू थ्री टू जो सिक्स हो जाएगा ना, यहाँ तो यहाँ वन बाई सिक्स हो जाएगा, और जेड का वैल्यू जो है यहाँ पर हम लिखे थे वन प्लस टू एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे, वन प्लस टू एक्स स्क्वायर पे पावर थ्री बाई टू प्लस सी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर एट भी बन गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन। अब हमारा क्वेश्चन नंबर नाइन है फोर एक्स प्लस टू इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी रूट दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का हमको इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट करने पे तो कुछ नहीं मिलेगा ना, इसको करने पे मिल सकता है। तो देखिए इसको करेंगे, आपको बस सोचना है कि क्या सब्स्टिट्यूट किया जाए और हमारा जो आंसर जो वो निकल जाए। तो देखिए इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो टू एक्स आएगा प्लस वन इक्वल्स डी जेड बाई डी एक्स, तो हमारा टू एक्स प्लस वन डी एक्स जो है वो डी जेड के बराबर आ जाएगा ना। जैसे यहाँ दिया हुआ है फोर एक्स प्लस टू, तो यहाँ टू एक्स प्लस टू है, मान लिया जाए हम दो से इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर भी टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तब ना दोनों तरफ बराबर होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस पर। तो उसी तरह यहाँ पर हमारा आ जाएगा फोर एक्स प्लस टू डी एक्स इक्वल्स टू डी जेड आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं फोर एक्स प्लस टू डी एक्स जो है टू डी जेड के बराबर आ गया है। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन फोर एक्स प्लस टू डी एक्स जो है टू डी जेड के बराबर है, और ये जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन जेड माने थे ना, तो अंडर रूट जेड और फोर एक्स प्लस टू डी एक्स जो है टू डी जेड के बराबर आएगा, तो टू डी जेड हो गया। तो इंटीग्रेशन ऑफ जेड पे पावर वन बाय टू, और ये जो टू है कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, रूट जेड डी जेड आ चुका। अब देखिए यहाँ टू और रूट जेड को जब इंटीग्रेट करेंगे तो वह आएगा जेड पे पावर थ्री बाय टू बाय थ्री बाय टू प्लस सी। अब जो जेड का वैल्यू हम माने थे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस, तो जेड का वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन लिखेंगे ना, तो ये टू टू या फोर, जेड का वैल्यू पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन आ गया पे पावर थ्री बाय टू बाय थ्री प्लस सी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर नाइन भी बन चुका है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर टेन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर टेन है हमारा, क्वेश्चन नंबर टेन है वन बाय एक्स माइनस रूट एक्स, इसका हमको इंटीग्रेशन निकालना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं एक्स माइनस रूट एक्स, अगर रूट एक्स को मानेंगे तो ये नहीं आएगा, मगर अगर दोनों से हम कॉमन ले लेते हैं रूट एक्स को तो कुछ बनने का संभावना है। तो देखिए यहाँ पर डी एक्स रूट एक्स को अगर हम मान लेते हैं तो हमारा आएगा रूट एक्स माइनस वन आ जाएगा ना। अब अगर हम रूट एक्स माइनस वन मानेंगे तब हमें कुछ आ सकता है। तो देखिए मान के देखते हैं रूट एक्स माइनस वन को अगर हम जेड मानेंगे तो हमारा इसका एक्स पे पावर वन बाई टू है, तो यहाँ आएगा एन डी एक्स इक्वल टू डी जेड आ जाएगा। तो
यहाँ पे हम वन बाय डी एक्स बाय रूट एक्स है तो टू को हम उस साइड कर देते हैं। तो टू को जब हम उस साइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा डी एक्स बाय रूट एक्स इक्वल्स, ये जो टू है इस साइड आ रहा है तो ये टू डिजिट हो जाएगा ना, तो डी एक्स बाय रूट एक्स टू डिजिट के बराबर आ गया हमारा। तो यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय रूट एक्स टू डिजिट के बराबर है और रूट एक्स माइनस वन जेड माने थे, तो यहाँ से जो कांस्टेंट है टू बाहर निकाल देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड बाई जेड हम निकालेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड बाई जेड क्या होगा, लॉग जेड, तो टू लॉग जेड प्लस सी, जेड का वैल्यू पुट कर देंगे तो टू लॉग जेड का वैल्यू क्या है, रूट एक्स माइनस वन, रूट एक्स माइनस वन प्लस सी हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी बन गया। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 to 10 आज हमने बनाया है। तो अब मैं पार्ट टू में आपको क्वेश्चन नंबर आगे वाला सारा बताऊंगा। तो तब के लिए थैंक यू।